अस्सलाम वालेकुम, आज मैं सुजुकी ऑल्टो VXL AGS जो कि टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है उसका रिव्यू करूंगा। इस रिव्यू में मैं गाड़ी के एक्सटीरियर पे ज़्यादा फोकस नहीं करूंगा क्योंकि जाहिर सी बात है आपने उसको काफ़ी बार देखा होगा। मैं सिर्फ वो चीज़ें बताऊंगा जो कि इसमें मुझे अच्छी या बुरी लगी या फिर जो इसमें डिफरेंसेज हैं बाकी वेरियंट से, जैसे कि इसके साइड मिरर्स जो सिर्फ VXL वेरिएंट में पावर्ड और कलर्ड आते हैं और किसी वेरिएंट में नहीं है। इसके अलावा इसके दरवाज़ों में कोई साइड मोल्डिंग, कोई साइड ट्रिम्स नहीं है और इसके अलावा इसके जो पैनल्स हैं वो भी बेयर पैनल्स हैं। ये मेरी चॉइस है लेकिन आप बाद में भी लगा सकते हो कि साइड स्कर्ट्स इन पे होने चाहिए। इसके अलावा गाड़ी की जो ग्राउंड क्लियरेंस है, राइड हाइट है, वो काफ़ी नॉमिनल सी है। मैंने 4 से 5 लोगों को बिठा के ड्राइव किया है। रशी एरिया पर भी और स्पीड ब्रेकर वगैरह पर तो गाड़ी लगती नहीं है नीचे से। और ये गाड़ी की बैक से लुक है। ये वाला वेरिएंट AGS है जिसे सेमी ऑटोमेटिक वेरिएंट कहते हैं। इसके अलावा इसमें कैमरा इंस्टॉल करवाया बाद में, LCD पहले भी थी इसमें। और इसमें ये थर्ड ब्रेक लैंप ऊपर लगाने का पर्पज़ ये है कि जो इसकी टेल लाइट है काफ़ी नीचे बम्पर में है, जो कि बारिश में या कीचड़ में ड्राइव करते हुए काफ़ी जल्दी गंदी हो जाती हैं और कवर्ड हो जाती हैं कीचड़ से, तो आप जब ब्रेक प्रेस करोगे तो लाइट नज़र नहीं आएगी फासले से। तो सेफ साइड ये ऊपर लगाई होती है तीसरी लाइट, ताकि जब ये गंदी हो तो पीछे वाला ऊपर वाली लाइट देख के समझ जाए कि गाड़ी ब्रेक लगा रही है अगली। इसके अलावा मैं आपको क्विकली इस साइड का भी एक बार व्यू दिखा दूँ, इसके बाद गाड़ी के इंटीरियर की तरफ चलते हैं। ये साइड लुक गाड़ी का और ये गाड़ी का फ्रंट, जो नो डाउट काफ़ी क्यूट, मुझे तो काफ़ी प्यार लगता है इसका फ्रंट लुक। अब गाड़ी का इंटीरियर, इसमें मुझे जो चीज़ ने इंस्पायर किया काफ़ी है, दरवाज़ों में लॉक टाइप चीज़ है, मतलब कि गाड़ी का दरवाज़ा फ्रीली मूव नहीं करता, खोलने पर एक जगह जैम हो जाता है जहाँ आप छोड़ोगे उसे इस तरह। ये चीज़ मुझे अच्छी इसलिए लगी क्योंकि मैंने एक बार कल्टस ली थी नई 2016 मॉडल ओल्ड शेप, तो उसमें ये सिस्टम नहीं था। खैर, इसमें जो रबर मैट्स हैं ये बाद में परचेज़ किए हैं। जो कपड़े वाले मैट हैं ये लॉक्स वाले, ये साथ मिले हैं। और ये रैगजीन भी छुआया है जिनकी गाड़ी है। खैर, मैं ये रिकमेंड नहीं करता, इस पर मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा कि आपको क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए। और ये जो सीट कवर्स हैं रैगजीन के, ये भी बाद में उन्होंने कवर करवाए हैं, पहले जो आई थी वो फैब्रिक सीट्स थी कपड़े वाली। इसके अलावा ये गाड़ी का इंटीरियर, 2-टोन 2 कलर्ड इंटीरियर आता है VXL वेरिएंट में, बाकी में पूरा ब्लैक आता है। इसमें 2 एयरबैग्स हैं, एक स्टीयरिंग में और एक डैशबोर्ड में। ये ऊपर लिखा हुआ है इसकी इंस्ट्रक्शन एयरबैग वगैरह की। और ये इसकी टच LCD नॉन एंड्रॉयड है, बाकी में बटन्स वाली आती है। और ये इसका ऑटोमेटिक नॉब, मैनुअल में ये जगह खाली होगी, यहाँ इसमें ऑटोमेटिक गियर लगा हुआ है। अब मैं आपको मीटर के बारे में डिटेल से बताऊँगा आगे जाके, क्योंकि इसमें भी काफ़ी फीचर्स हैं। इसके अलावा इसका डैशबोर्ड मुझे थोड़ा हल्की सी लुक देता है, हल्के मटेरियल की। इसी में दिया हुआ है इन्होंने USB का ऑप्शन इस LCD के लिए, जो कि काफ़ी सेफ जगह है। और ये बस ओके है, ऐसी क्वालिटी थोड़ी हल्की फील देता है ये। और मेरे आन की तरह इसमें छोटा सा कंसोल है, बटन्स कुछ भी नहीं है, लेकिन जैपनीज वेरिएंट में इसमें बटन्स आते हैं सीट मेरे ख्याल से हीट के लिए, और आप लगवा सकते हो खैर इसमें। इसके अलावा यहाँ 2 कप होल्डर हैं जहाँ मैनुअल गियर लगा होता है मैनुअल वेरिएंट में, और ये पीछे 2 और कप होल्डर हैं। इसमें 4 विंडोज पावर्ड हैं, जो ड्राइवर सीट वाली विंडो है वो फुली पावर्ड है। इसके अलावा इसमें बटन नहीं है सेंट्रल लॉकिंग वाला, और इसके जो साइड मिरर्स हैं वो फुली पावर्ड हैं। इस गाड़ी में फ्रंट डोर में स्पीकर्स इंस्टॉल्ड हैं, इसके अलावा बैक डोर में ऑप्शन तो है स्पीकर्स का लेकिन इंस्टॉल्ड नहीं है, आप इंस्टॉल करवा सकते हो, और ना ही ट्रंक में इसमें स्पीकर इंस्टॉल्ड है। गाड़ी के लेग स्पेस या पैसेंजर कंफर्ट की बात की जाए तो ये फ्रंट सीट मैंने पूरी पीछे की और आगे खुली डुली स्पेस है, जाहिर सी बात है सीट पूरी पीछे है। इसके अलावा हेडरूम भी इसका इनफ है, मेरा सर ऊपर टच नहीं हो रहा। इसके अलावा इसकी जो बैक सीट है वो फोल्डेबल है, ताकि आप फोल्ड करके इसकी ट्रंक की स्पेस है वो बढ़ा सकते हो, क्योंकि ट्रंक इसकी कोई खासी बड़ी नहीं है। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली इसकी बैक सीट भी काफ़ी कंफर्टेबल है। और लेग रूम की बात की जाए, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मैंने फ्रंट सीट पूरी पीछे की हुई है, तो आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छा डिस्टेंस है मेरे लेग से फ्रंट सीट का। यही खास बात होती है जैपनीज गाड़ियों की कि गाड़ी बेशक छोटी हो, जगह बेशक कम हो, लेकिन ये स्पेस को काफ़ी अच्छी तरह यूटिलाइज़ करते हैं। एक ड्रॉबैक है कि सीट के जो बकल्स हैं उन्होंने दरमियान में करके दिए हुए हैं, तो जो भी दरमियान में बैठेगा उसको ये चुभेंगे। और रियर सीट बेल्ट भी हैं तो वेल एंड गुड। और मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट इसका ट्रंक, इसका बूट। इसमें कोई ट्रे नहीं दी गई, स्विफ्ट कल्टस की तरह वैगनर की तरह कोई ट्रे नहीं है इसमें, और ना ही ऑप्शन है ट्रे लगाने का। और ये जो गाड़ी का कवर है बाद में परचेज किया, साथ नहीं मिला। ये गाड़ी की ट्रे है, पीछे लॉक टाइप दिए हुए हैं, ये अंदर पड़े हैं, आपको दिखाता हूँ किस किस्म के लॉक हैं। ये वो लॉक्स हैं जो ट्रे को ग्रिप करते हैं। इसके अलावा ये डब्बा खाली है, ये खाली है और ये खाली है, गॉड नोज इसमें क्या आया था और पार्क्स सुजुकी ने निकाल लिया। खैर, जैक वगैरह इसमें है, सब टायर खोलने का सामान और कंप्रेसर यहाँ है क्योंकि स्पेयर टायर इस गाड़ी में नहीं है। और ये पंक्चर फ्लूइड, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है स्पेयर टायर नहीं है तो कुछ तो देना है ना आपको। इसके अलावा ये फ्रंट टो हुक है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे यूज़ करते हैं। ये फ्रंट पे कटिंग सी होगी, आपने इसको उतारना है और ये अंदर टाइट हो जाएगा स्क्रू की तरह, अगर आपने गाड़ी टो करनी हो इन केस ऑफ इमरजेंसी। इसके अलावा उन्होंने ये ट्रंक लाइनर दिया है, अच्छी बात है क्योंकि काफ़ी बड़ी गाड़ियों में ये नहीं आता, मेरी लियाना में भी नहीं है, तो ये वेल एंड गुड।
इसके अलावा यहाँ एक पीस होना चाहिए था, क्योंकि जैसा कि ये है सामान निकालते रखते हैं यहाँ स्क्रैच पड़ जाते हैं, तो बेहतर है कि आप इसको कवर करा लो किसी पेपर से या किसी स्टिकर से ताकि ये सेफ रहे। और अब मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी का ड्राइवर व्यू और स्पीडोमीटर वगैरह, क्योंकि इसमें फीचर्स काफ़ी पेंडिंग थे जो मैंने कहा था मैं बताऊँगा आपको। तो ये है ड्राइवर साइड व्यू, मुझे तो काफ़ी प्यार लग रहा है इसका, स्पेशली स्टीयरिंग व्हील, क्योंकि वैगनआर स्विफ्ट के मुकाबले काफ़ी प्यार है। तो स्पीडोमीटर में जो स्टिक्स ही होती है आपको दबाओगे तो सबसे पहले आपको ओडोमीटर जो आपकी गाड़ी जितनी चल चुकी है वो रीडिंग शो होगी, इसके बाद दबाओगे तो ट्रिप ए शो होगा, फिर ट्रिप बी जिसको आप जीरो कर सकते हो, फिर आपको शो होगा इसका जो लाइन्स शो हो रही हैं ये इंस्टेंट एवरेज है जो गाड़ी चलने पर शो होती है, और ये काफ़ी क्विकली चेंज होती है आपके ड्राइविंग पैटर्न के हिसाब से चेंज होती जाती है। इसके बाद आता है गाड़ी की एवरेज, ये कम इसलिए शो हो रही है क्योंकि गाड़ी जिन्होंने ली है वो भी गाड़ी सीख रही है और काफ़ी वायलेंटली जाते हैं एसी के साथ ट्रैफिक में, तो ये भी मैं कहता हूँ काफ़ी अच्छी एवरेज दे रही है फिलहाल। और फिर शो होती है गाड़ी की रेंज, गाड़ी कितनी चल जाएगी गिवन फ्यूल में गिवन एवरेज में। और इसके बाद गाड़ी का जो स्पीडोमीटर की ब्राइटनेस है ये एडजस्ट हो जाती है, चार मोड्स हैं इसमें जैसे कि आप देख सकते हो। और ये राइट साइड पे कुछ खाली ऑप्शन है, कोई बटन नहीं है, लेकिन जैपनीज वेरिएंट में यहाँ बटन आते हैं, पुश स्टार्ट का हो गया, रेडार वगैरह के बटन्स हैं, यहाँ खाली है, खैर आप लगवा सकते हो अगर आप चाहो तो। इसके अलावा इसमें स्टेयरिंग एडजस्टमेंट भी आता है जैपनीज वेरिएंट में, जो कि आपको ये स्पेस नजर आ रही होगी लेकिन पार्क सुजुकी ने निकाल दिया। और मुझे एक और फीचर काफ़ी अच्छा लगा इसका कि गाड़ी बेशक बंद हो अगर आप ब्रेक दबाए बगैर गियर चेंज करो तो गाड़ी आपको वार्निंग देगी इस तरह। लास्टली अब मैं दिखाता हूँ आपको इसका इंजन बे, इसमें कोई हुड इंसुलेटिंग लगा हुआ है, अगर आप लगवाना चाहो तो लगवा सकते हो। और ये इसका इंजन बे है, ये विंड वॉशर फ्लूइड की बोतल है, ये ब्रेक फ्लूइड की है, और ये इसका मेन सिस्टम है AGS का, और यही बोतल है AGS फ्लूइड की, यहाँ कहीं लिखा भी होगा, ये लिखा है AGS। बेसिकली यही सिस्टम है जो मैनुअल इंजन को ऑटोमेटिक बनाता है और आपको ऑटोमेटिक गियर्स प्रोवाइड करता है। और ये IGS गाड़ी का कंप्यूटर है जिसे ECU कहते हैं, जो कि अनकवर्ड है, आप जब गाड़ी परचेज करो ऐसी केसिंग मिलती है 200-300 की, वो लगवा लो बेहतर है। तो ये था एक हाईली नॉन प्रोफेशनल गाड़ी का रिव्यू, मुझे पता है मैंने काफ़ी चीज़ें मिस की हैं, जैसे कि इसमें कैबिन फिल्टर भी आता है, इसमें एक काफ़ी अच्छा एंटी थेफ्ट सिस्टम भी आता है वगैरह वगैरह। मेरे ये रिलेटिव ने गाड़ी परचेज की थी इसलिए मैंने इसमें रिव्यू बना लिया, ये सारे ओपिनियंस मेरे अपने हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है आपकी राय डेफिनेटली इससे डिफरेंट भी हो सकती है। अगर आपने गाड़ी परचेज करनी हो तो आप कोई अच्छा डिटेल्ड रिव्यू देख लो, उससे आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।